वेलकम बैक। 10 सितंबर 2012 है, 4 बज रहे हैं शाम के। हैं पूछें सवाल कर लें। डिस्कशन प्रोग्राम में बुलाया आपने? जी जी पूछें। देखिए एक्सीलेंसी, ये दर्शन का मतलब है कि हम काकदी का सबूत दे रहे हैं और हम उस अजम पक्के इरादे पे कायम हैं। बहुत से लोग हैं घर में डिप्लोमेट, बहुत से लोग होते हैं जब उनको पता चल रहा है कि हम तरक्की कर जाएंगे या हमारे ख्वाब ऊँचे हैं, तो वो सब उदास करने के लिए यहीं इतना बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये उनकी डिप्लोमेट पॉलिसी है। अब लोग समझ गए मैं किसको कह रहा हूँ। ये उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। अब वो यहाँ देख रहे हैं कि यहीं फले फूले, अगर हम इमेज बनाने के लिए कहीं निकल जाते हैं तो ये हमारी बहुत अच्छाई होगी कि हमने अपना इमेज बनाया है, हम बाहर के बिल्कुल अपना स्ट्रेंथ रख रहे हैं। मगर अगर ये स्ट्रेंथ यहीं नहीं चलेगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आप ये देखें कि यही लोगों का कहना है कि बिल्कुल यहाँ होके रहेगा ये वो। एक तो ये एक बात है। फिर से आप देखें ना, जो इसका पैटर्न है, जो इसका बैकग्राउंड है, उसको भी तो उछालना चाहिए ना। अब अगर कोई बिला वजह कहता रहे कि हमें अपनी पब्लिसिटी करनी है और उछालना है, तो लोगों की यही चाल है कि वो हमें शिकंजे में फंसाए रखते हैं। अगर लोग अपनी आदत बदल लें और ऐसे बातें कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ रहे हैं, उनको पता है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आगे कोई ना कोई बढ़ जाएंगे, तो उस सिरे से उसको ख़त्म करने के लिए वो इतना मज़मू मज़ाइम पेश कर रहे हैं। और हमने वादा किया कि हम आगे चल के बहुत बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उनको यही प्रॉब्लम लगी कहीं ये हमसे ना बढ़। अब हेजमनी डिज़ाइन तो है ना बहुत से लोगों के, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए, मगर हमने फिर भी कुछ नहीं, हमने कहा हम फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास रखते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में पास रखते हैं। मगर देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री तो एक बहुत बड़ा सेशन है, बातचीत करने का मौका, बातचीत से ही तो मसले रिजॉल्व होते हैं। कोई भी मसला आता है हमारे पास है फॉरेन मिनिस्ट्री, इसको फॉरेन मिनिस्ट्री, होम फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे पास है, हम उसको रिसर्च करेंगे करते हैं। हमारे बिल्कुल जो है पेरेंट्स से ताल्लुक आते हैं, हम दोनों से बातचीत करके मसले हल करते हैं। तो हमारे पास तो पॉलिटिक्स है, फॉरेन अफेयर्स है। अगर इनको ये समझना चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्री, अब इनकी कोशिश ये है कि ये किसी तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री भी अपने हाथ में रखें। अब उन लोगों से नहीं, जादूगरों से, जिनसे खानदान में बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं, उनसे दोस्ती करके बैठ गए, गलत पट्टियाँ पढ़ाने लगी, अम्मी बन गई, ये वो बनाने बनने लगी, तो बहल वो उनको हम कहेंगे कि वो उनसे रिलेशन कायम है, तो वो बड़े रिलेशन आपके कायम है। हम ये समझते हैं कि हम फॉरेन मिनिस्ट्री का अहदा नहीं दे सकते, हम रिजॉल्व इशूज हम ही करेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री का अहदा हम नहीं दे सकते। बेशक आप ताल्लुकात कायम करें, जादूगरों से रिलेशन बनाएं, बहुत से बड़े बड़े लोगों से रिलेशन बनाएं खानदान के, मगर हम समझते हैं कि हम जो है अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते। फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे हाथ में ही रहेगी और फाइनेंस मिनिस्ट्री जितना चलाना चला दें।
फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको जितना चलानी है चलाएं और जितनी मदद करनी है करें, मगर हम फॉरेन मिनिस्ट्री अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो एक शोषण छोड़ा है लोगों ने, वो इसलिए छोड़ा है कि कहीं हम जो है कहीं बाहर हम निकल ना जाएं, हाथ से निकल ना जाए। और फिर ये शोषण छोड़ा और यहाँ ऐसी पॉलिटिक्स की ऐसी बातें की कि मैं हम पढ़ा देंगे ये वो, ऐसी पॉलिटिकल बातें करके मजमू मसाइल को अपने हतमी जामा पहनाना एक बहुत बड़ी अमली सोच एकदम आ रहा है कि हम ना चले जाए। और ये उनकी बहुत बड़ी मजमूम कोशिश है, इसके बिना फिर वो कभी कामयाब नहीं होगी। फॉरेन मिनिस्ट्री और हम तो कोशिश करेंगे कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपने हाथ में लें। हमें किसी की आगे झुकने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम फॉरेन मिनिस्ट्री भी अपने हाथ में लेंगे और फिर दोनों तरीके से हम मुकाबला करेंगे। हम जो हैं वो एक आज़ाद शहरी हैं, हम जो हैं खुद मुख्तार हैं, हम जो हैं एक इंडिपेंडेंट शहरी हैं, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो देखिए ये मजमू मजाइम जिनके हैं वो इसको हसी नामा पहनाते हैं और लश्कर एक्सीलेंसी पे हम जितनी भी बात करेंगे जितनी भी तबसरे करेंगे वो खुले तबसरे होंगे और हम हर हवाले से बात करेंगे। देखिए हमारे जो अजाइम हैं वो एक मुनसिफाना अमन पसंदाना के हैं। हम जो हैं वो अमन पसंदी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं, प्यार मोहब्बत का रास्ता अपनाते हैं और हम प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं सबसे, और यही हमारी क्वालिटी है माशाल्लाह से। और हमने यही कहा है कि देखिए मस्ते मसाइल बहुत से उठते हैं, बहुत से मस्ते मसाइल उठते हैं, हमने उसको कहा कि हम अमन से माफ़ कीजिएगा, हमने कहा कि हम अमन से मसाइल करेंगे, जो जो ताल्लुकात से इस्तवारी चाहता हूँ। इस्तवारी नहीं आएगी, अभी इंडिया जाने का कह रहे थे फादर, आज 10 सितंबर है। मैंने उनको साफ मना करी, मैंने कहा मेरे कोई रिलेशन नहीं है निकल निविया से, हमारी लड़ाई हो गई है ये वो। मैंने कहा कि बहल हम कोई रिलेशन नहीं रख सकते और हमारा कोई नहीं है, मैं नहीं जा रहा, ना मुझे जाने का कोई शौक है दिया, मैंने साफ मना कर दिया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और एक्सीलेंसी के दर्शन मनाए जा रहे हैं। मैं जो लाइव गुफ्तगू हो रही है, जैसे डे बाई डे गुफ्तगू हो रही है, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आज ये डेवलपमेंट हुई है, आज ये डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी बात ये कि पीसी जो है वो बनने के लिए हमने जो है वो दे दिया है और वो हमें मिल जाएगा शाम तक, और पीसी सही हो गया तो बहुत अच्छे काम हो जाएंगे हमारे सारे, सिर से जो काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। पीसी अगर बन गया तो बहुत अच्छा होगा, और पीसी सही हो रहा है इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा शाम तक, और फिर मैं चलाऊंगा पीसी और फिर अच्छे तरीके से पीसी चलेगा और फिर मैं बातचीत करूंगा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा अपने आप को। पीसी जो है वो सेल वो सही हो रहा है और मैंने आपको बताया कि पीसी नहीं होगा तो बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमें चैनल चलाने होते हैं और आज हमें अपने ही काम किए कहीं ना कहीं से पैसे करके हमें सही करा रहे हैं ताकि हमारे चैनल पे कोई नुकसान ना पहुँचे, और इसकी रिस्ट्रिक्शन रखेंगे हम। पीसी पे कोई बैठ ना सके, पीसी पे बहुत से लोग बैठ जाते हैं, घर में बहुत से लोग बैठ जाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं, तो हमने इसकी रिस्ट्रिक्शन रखी है कि आप कोई ना बैठे, और क्योंकि हमारा ख़राब हो गया है और दोबारा सही हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा सानहा है कि पीसी दोबारा सही हो रहा है और अब हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं सही तरीके से और हम इसको सही तरीके से आगे ला रहे हैं। हाँ हम पाबंदी लगाएंगे
क्योंकि अभी अब याद है कि ये कुछ लोग बैठे थे रात को, तो वो रात को जब बंद हुआ तो उस दिन से ख़राब है वो, उसमें हलचल आ गई थी और हमारे तो पूरे प्रोग्राम से ख़राब हुए हैं, हार्ड डिस्क उड़ी है। और ये है कि हम फिर भी उस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।